An old man, while dialing his 7-digit telephone number, remembers that the first 4 digits consist of 1 1s and 1 2s and 2 3s. He also remembered that the 5th digit is either 4 or 5. While has no memorizing of the 6th digit, he remembered that the 7th digit is 9 minus the 6th digit. Maximum number of distinct trials he has to try to make sure that the dials the correct telephone number is. तो चलिए देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले मैं क्वेश्चन के पार्ट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन है क्या. आपको एक 7 डिजिट का टेलीफोन नंबर डायल करना है. क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो उसने ये बोला है कि शुरू की जो 4 डिजिट्स आपको नजर आ रही हैं, ये जो 4 डिजिट आपको नजर आ रही हैं, इनमें एक 1 आपको यूज करना है, एक 2 यूज करना है, एक 3 यूज करना है और एक और 3 यूज करना है. जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, एक 1 मौजूद है और एक 2 मौजूद है, लेकिन 2 3s मौजूद है ना. तो 2 3 है, एक 2 है, एक 1 है. दूसरा, ये जो 5th प्लेस आपको नजर आ रही है, ये जो 5th प्लेस नजर आ रही है, यहाँ पे या तो नंबर 4 आएगा या 5 आएगा, मतलब उसे याद नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई एक नंबर आने जा रहा है. दूसरा, 6th प्लेस वाली पोजीशन उसे याद ही नहीं है, उसे 6 नंबर नहीं याद है. हाँ, 7 नंबर की अगर वो बात करे, उसे एक रिलेशन याद है. रिलेशन क्या है कि 7th प्लेस पे जो डिजिट है, लेट ये X7 रिप्रेजेंट फॉर द 7th प्लेस डिजिट, ये 9 में से 6th प्लेस की डिजिट को माइनस करने से आ जाती है. उसे ये कंडीशन केवल याद है और आपको बताना है कि इसके टोटल पॉसिबल वेज कितने होंगे. चलिए अभी हम लोग शुरू कर सकते हैं. मैंने क्वेश्चन आपको समझा दिया है. देखिए, सबसे पहले मुझे ये 4 प्लेसेस को फिलअप करना है. ये वाली प्लेस, ये वाली प्लेस, ये वाली प्लेस और ये वाली प्लेस, है ना. और हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन क्या है, एक 1 है, एक 2 है और 2 3s मेरे पास है. तो इन 4 नंबरों को इन 4 प्लेसेस पे अरेंज करने के जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे, दे आर फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 ओनली, है ना. फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इन टू. अब हम बात करते हैं कि मुझे 5th प्लेस को फिलिंग करनी है, 5th प्लेस को फिलिंग करनी है. लेकिन 5th प्लेस को फिल करने के मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मुझे यहाँ पे 4 डालना है या फिर 5 डालना है. मीन्स 5th प्लेस को फिल करने के नंबर ऑफ वेज मेरे पास हैं 2, यानी कि शुरू की 5 प्लेसेस पे टोटल नंबर ऑफ वेज मैंने काउंट कर लिए. अब हम चलते हैं लास्ट की 2 प्लेसेस पे, 6th और 7. ये रिलेशन आपको दिया है कि वो ये बोल रहा है कि यार 7th प्लेस पे आपको एक ऐसा नंबर डालना है, एक ऐसा नंबर डालना है, या फिर 7th प्लेस का अगर आपको नंबर चाहिए तो वो 9 में से 6th प्लेस का नंबर आपको माइनस करना पड़ेगा. मींस X6 की अगर मैं बात करूं, X6 की बात करूं तो ये तो मुझे याद ही नहीं है कि X6 पे क्या है. अब X6 पे 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और अप टू 9 कोई भी नंबर आपके पास हो सकता है. लेकिन जैसे आप X6 की पोजीशन फिक्स करते हैं, जैसे मान के चलो आपने X6 की प्लेस पे 0 डाल दिया, X6 की प्लेस पे 0 डाल दिया, तो 7th प्लेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है. अब उसको 7th प्लेस पे 9 ही डालना पड़ेगा. यानी कि एक बार अगर ये 6 वाली पोजीशन फाइनल हो जाती है, जो कि मुझे पता नहीं कि यहाँ पे कौन सा नंबर है, लेकिन एक बार अगर ये 6 वाली पोजीशन फाइनल हो गई तो 7th ऑटोमेटिकली फाइनल हो जाती है, क्योंकि वो इस रिलेशन पे बेस्ड है. अगर जैसे मान के चलिए X6 की जगह मैंने नंबर 2 डाल दिया, एक एग्जाम्पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि X6 पे मैंने 2 डाल दिया, तो फिर X7 को आपको 7 ही डालना पड़ेगा. यदि ये 7 जो है, ये 7th प्लेस जो है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो भी 6 होगा, जो भी नंबर X6 पे आएगा, उसके हिसाब से 7 ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाएगा और हर केस के लिए केवल एक ही तरीका होगा. मींस सबसे पहले मैं 6 वाली पोजीशन को फिल करूं. अब 6 वाली पोजीशन को फिल करने के 10 वेज हैं, 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है. अब क्योंकि लास्ट वाली प्लेस 6 वाली पोजीशन पे डिपेंड करती है, तो जो भी नंबर आपने एक बार यहाँ डाल दिया, इसके बाद इसके पास कोई चॉइसेस नहीं बचे होंगी, मतलब टोटल 10 कॉम्बिनेशन ही ये केवल बनेंगे. 6 प्लेस के किसी भी नंबर के लिए 7 प्लेस की प्लेस पे जो डिजिट है वो यूनिक होगी, है ना. आप रेंडमली कुछ नहीं डाल सकते. जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल भी आपको दिया था कि अगर मैं X6 पे 0 डालता हूँ तो X7 आपको 9 लेना होगा, X6 पे अगर मैं 1 डालता हूं तो X7 आपको 8 डालना होगा, और ऐसा करते करते X6 को जब आप
एक्स सिक्स को 9 डालेंगे तो एक्स सेवन को आपको 0 डालना पड़ेगा। तो ये लास्ट प्लेस को फिल करने के केवल और केवल आपके पास 10 ऑप्शन है। ही वाज आस्किंग द टोटल नंबर ऑफ वेज, और टोटल नंबर ऑफ वेज की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से 2 आपका कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। और अगर मुझे रिजल्ट क्लेम करना है तो बस सिंपल कैलकुलेशन है। फैक्टोरियल 4 की बात करें तो ये आपका 24 होता है और ये इंटू 10,